मेरे नाल सेक्सुअल हरेसमेंट किया गया। जो भी मेरे नाल हाथ तक चुकेगा मेरे तक मारेगा मेनू वीडियो आएगी सारा वीडियो आएगा। मेरे को कोई सुझा नहीं है अफसर मेनू आखन की आ गल है तो फिर मैं मार प्रिंस तेरे मुझे जबान है नी जो उन्होंने किया जो उन्होंने करने दे वेला शर्म नहीं आई उदों करने ले नहीं शर्म आई उन्होंने की किया तन्नू शर्म नहीं आई मैं अपनी जनानी काम में पांगा कोई कुछ नहीं किया सारे मोहल्ले ने पता उन छोड़ दे अपना इतना ना कर ना जी तुम दस भाई मेनू सर मेरे फादर इन लॉ वालों मेनू बहुत ज्यादा हरास किया गया है। सर मेरा नाम नुपिंदर कौर है ते सर मेरे फादर इन लॉ दा अमरजीत सिंह कौर मन्ना सर अपना बटाला रोड विजय नगर पैरिस टाउन इथे। हाँ जी सर मैं सर मेरे नाल 3 साल अज तो पहले भी यह हरकत हुई सी और इस हरकत नू उदो असी चुप कर गए सी असी क्या सी कोई गल नहीं मेरे हसबेंड ने क्या कोई गल नहीं फादर है कोई गल नहीं आपां इस गल नू खत्म कर दे। हुण सर ये गल रिपीट हुई है 2 फरवरी नू सर ये वाक्य फिर होया दोबारा और मेरे नाल बहुत गंदी घिनौनी हरकत की है सर उन्होंने बहुत ज्यादा गंदी घिनौनी हरकत की मेरे नाल रसोई दे विच किचन दे विच आके। सर उस तो बाद मैं मनीषा गुलाटी मैम दे चले गई सी उत्थे भी मैं अपनी दरखास्त अपील की मनीषा गुलाटी मैम ने वीडियो च आके क्या भी है मेरे बारे और उस बाबत मेरे बिहाफ से मेरे वास्ते मेरे सारे महल्ले ने कमेंट किए थे कि ये जो कुछ बोल रही है कुड़ी सच बोल रही है ये नाल सब कुछ होया है। सर इस बाबत मैं इस बारी मैं चीका मार के बाहर भी निकली सी मैं अपने सारे महल्ले नूं दस्सिया जदों मैं चीका मार के सारे नूं दस्सिया कि मेरे सौरा साहब कहिंदे पए है कि मेरा सौदा मंजूर है ठीक है नहीं तो मेरी गल सुन ला तेरे नाल बहुत बुरा होएगा तो तू टेंट पौड़ी चुक के निकल इतों। सर मेरे नाल उन्होंने मैनू अपने नाल हम बिस्तर होने लिए कहा सर इस बाबत फिर मेरे हसबेंड ने सारे नूं बड़े मौत वार बंदियां नूं घर बुलाया सी एस आई हरीश कुमार सर आए सी दैनिक जागरण के गुरजिंदर भाजी आए सी और बहुत ज्यादा बोलिया और सर उन्होंने सारे ने कहा मेरे सहरे कि तुम अपने बच्चों के पोतरिया के सिर पर हाथ रख के सौंह खा के बोल दो कि तुम नहीं की हरकत। सर उन्होंने सौंह नहीं खाधी क्योंकि सर उन्होंने यह हरकत की तो सौंह कितों खानी सी आप दवाओ मैं परचा दर्ज हो गया है अज सवेरे साढ़े घर सर मैंने 3-4 महीने धक्के खाने तो बाद परचा दर्ज होया है तो सर हूँ तुम अज जगबीर सर आए थ घर उन्होंने इंचार्ज जगबीर सर आए थ घर उन्होंने अरैसट कर सर 1 घंटा घर बह के चले गए उन्होंने नाल मेरे देवर की गल्ला हुई ने मैनों नहीं पता मेरा देवर इन्नी गल कह दिया उन्होंने जो मैं सुनया है कि सर इस मामले में आप इतने मुका दईए आप दसो तुम जो कहोगे आप उ करा तो सर उन्होंने 1 घंटा उन्होंने नाल बह के की गल्ला की मैनू नहीं पता मेरे को वीडियो से सर मैं जाहिर वो मैं कर दी है तुम्हें दे दी हुई है बाकी सर जगबीर सर ने उन्होंने अरैसट नहीं किया। सर जो मैं घर गई हाँ इतने ज मैं अपना परचे की कापी लैके मैं घर गई हाँ जाके देखिया तो पिछे गेटो सर मेरे सहुरा साहब को फरार कर दिता पिछे गेटो मेरा सहुरा साहब तुर के पता नहीं कितने चले गए नाल मेरी ननान सी नाल देवरानी सी देवर सी ये सारे पिछे गेटो निकल गए। हाँ जी तो फिर सर वो कित गए पिछे गेटो तुर के गए हैं सर उन्होंने सिर्फ गोडे से एक छोटी जी पट्टी लगी है ये और कुछ नहीं है सिर्फ स्वेलिंग सी और कुछ नहीं सी। बच्चे ने कुटमार किने की सर जिस तरह ही जगबीर सर मेरे घरों बाहर चले गए सर उस तरह मेरी ननान मेरी देवरानी मेरा देवर उपर चले गए उपर जाके उन्होंने बच्चिया के नाल कुटमार की सर मेनू गुआढ़िया का फोन आया कि तू मेरा नाम जी रणजीत सिंह प्रिंस मेरा नाम है जी।
मैं बटाला रोड से रहना, ठीक है जी। मेरे अपना बाप ने मेरी वाइफ के नाल शरीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर की है काफ़ी देर तो, उस बारे गल करना चाहना मैं। अज तो 3 साल पहला भी हरकत हुई थी, तो हूँ फिर मेरे बाप ने 3 महीने पहला फिर हरकत की। हाँ जी, पुलिस को जानकारी है जी, हूँ अपना उन्हों का पर्चा हो गया है उन्होंने। अज विजयनगर चौंकी इंचार्ज साढ़े घर आए थे, तो 1 घंटा बह गए, बाद चो आप थोड़ा जहा काम बाहर गए, इन्नी देर न मेरा बाप तो उतो दी फरार हो गए। बाप की किन्नी उम्र है? उन्होंने 60 साल उम्र है जी। मदर मेरे 2017 एक्सपायर हो गए, उन्होंने मौत तो बाद ये सारा कुछ सिलसिला। ए जी बाकी दो ही होया, एक करी 2000 मेरी माँ के मरण तो बाद 2 महीने बाद 2017 च। उस तो बाद मैं इन्होंने मैनू दसिया, मैं अपने बाप ना गल की, इन्हों मेरी वाइफ डिप्रैशन चल गए, उन्होंने लैके मैं अपने सहरे नागपुर चले गया, तो उत्थे जाके अपना मैं उन्होंने डिप्रैशन का इलाज कराया। उत्तों मेरी भैन ने तो मेरे जीजे ने मैनू सद्या कि ये दोबारा गलती मेरे बाप नहीं करता, तो तू साडे कहन ते वापस आया, तो मैं उत्थे फिर रहना शुरू करता। फिर उस तो बाद जो हूँ 2017 तो बाद फिर इन्होंने 3 महीने पहला आई तो, फिर इन्होंने शराब पी के यही हरकत की। मेरी मेरी वाइफ नूं कहन दे कि मेरे नाल शरीर संबंध बना, नहीं तो इतने तो साढ़े रहने का कोई मतलब नहीं, भी अपना टिंड बुरी चुको तो घरों निकलो। ये जेकर साढ़े महल्ले के मोहतवार बंदे भी बैठे सारे, उन्होंने सामने इन्होंने इन गल कबूली कि नहीं जेकर मेरा नहीं सरदा तो मेरा विआह करवा दो। तो हूँ परचा दर्ज हो गया, तो परचा दर्ज होने तो बाद साड़ी मंग है जी अपना साडा परचा जरा दर्ज है, मेरे बाप की अरैसट पाई है, वो घरों फरार हो गए है। तो एस एच ओ साहब जोड़े इतने के इन्हों के बेनती है कि वो अपना सू इंसाफ दवाया जाए। मेरा नाम वरजीत सिंह है जी। मैं कहना चाहता जी जो जी रात अपने दी है घटिया तो घटिया बंदे ना लग दे बुढ़ा तो बुढ़ा जी। देखो मेरे को ज्यादा मंगता जो प्रार्थना दाह की है तो अपनी वोटी रोके करके मेरे से गंदे गंदे इल्जाम लगा, बहुत मैं बहुत दुखी हाँ। मैं कहना मैं कहना किस तरह इन्ना कोई छुटकारा हो जाए मेरा छोटी ताल बैठी हुई भी है बुढ़ा भी है बाकी भी है सारे कोई कुटमार नहीं की कुटमार आखो मेरी छोटी नूह मारिया अज फिर दो 3 साल पहले भी कांड होया। कोई ये कांड नहीं हो जी, कोई कांड नहीं हो अपनी मर्जी है जो मर्जी लिखाई है मैं सारा जी पैसा चक्कर है पैसे मंगते मेरे को पैसे दे दो घरों निकल जी है। मैं यो मंग करता जी मेरे जायज की जो जायज हो मेरे को जोड़ा है मेरे उत्ते बीमारी लग गया मेरे 3 साल हो गए बैड के पैसे तो मैं कितों पैसे दवाई कारोबार चलेगा जो हो गए दर्द। मेरा नाम पवनप्रीत कौर है। मेरे पापा जी ने साडी भाभी ने सानू साडे ते बहुत अत्याचार करती पई है और मेरे पापा जी ते गलत गलत इल्जाम लगा रही है। एदां दी कोई गल नहीं है, मैं भी उन्हां दे नाल रह रही हां, एदां दी कोई गल नहीं। जिहड़ी कह रहे 3 साल पहले ये गल हुई सी एदां दा कुछ नहीं होया सी, असीं जन्माष्टमी तों घर आए हां, जाण के ने मेरे पापा जी ते इल्जाम लगाया, अपनी चुन्नी ला के मेरे सामने अखां दे चुन्नी ला के बैठ ते सुट के बाहर नूं भज्जी है कि मैनूं मेरे पापा जी पै, मैं उत्थे मौजूद सी, ये गल झूठ हैगी उन्हां दी। ते हुण वी जायदाद पंगा है वा कि जायदाद लैनी है, क्यों पापा ही कहते मैं जिंदे जी नहीं देनी हैगी हजे अपने मतलब करके कहते पे कि असी जायदाद लैनी है, पापा ही देंदे नहीं पे ते तां करके इन्होंने आप पापा ही गंदे गंदे इल्जाम लगाए। मेनू बस इंसाफ सानू इंसाफ चाहिए मेरे पापा जी वास्ते, अज इन्होंने मतलब कि मैं मारिया कुटिया भी है। मेरी जेठ जठानी तो उन्होंने छोटी कुड़ी हैगी है 15-16 साल की हैगी है, उन्हें अच्छे मेरे तिना ने मेरे से हमला किया और मेरे छोटे मुंडे ने भी इन्होंने बड़ा कुटिया, उन्होंने लत्त लुत्त मारिया। मैं 5 साल हो गए बिल्कुल नहीं, मैं कभी देखी नहीं, मैं इन्ना सानू दोनों इन्ना प्यार करते है, कोई कहने की गल नहीं है, सी चीजा लिया के देंदे कभी इदा की कोई गल नहीं की बराबर साढ़े घर चीज आती है। कुछ नहीं सिर्फ प्रॉपर्टी का मसला जी भाजी, कोई गल नहीं इदा की हैगी, सिर्फ प्रॉपर्टी जाते हैं आम। सब इंस्पेक्टर जगबीर सिंह इंचार्ज विजयनगर थाना सदर। ये नरपिंदर कौर वाइफ ऑफ रणजीत सिंह
इन्होंने एक दरखास्त दी थी जिहड़ी जिसकी इनकुआरी मानयोग ACP मनप्रीत मनप्रीत होना की जी ट्रांसिक अमृतसर साइबर क्राइम ट्रांसिक अमृतसर शहर वाले उस तो बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। ते CP साहब DA साहब की राय लैन तो बाद मुकदमा दर्ज करने का हुक्म फरमाया जो मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर लिया गया है करके ते तफ्तीश की जा रही है। ये इल्जाम लाउंदी है कि मेरे सहुरा साहब ने मेरे नाल बस इको घर नहीं अजे नहीं दोषी है जी अमरजीत सिंह कोई 65-70 साल का बजुर्ग है जी ते इन्हां बाथरूम वाली भी नाड़ी लगी है ते इन्हां ग्लूकोज लगा है ये तुर फिर नहीं सकते नहीं जी भजे नहीं है कि नहीं भजे जी बैड ते सी प्रशासन वालों कोई बचाने की कोशिश नहीं। हाँ जी हाँ जी मामला दर्ज करके तब्दील।